हूँ, आपको वो भी दिखाएंगे कि हमारा जो ऊपर बेडरूम में वॉर्डरोब्स बनी है वो कैसे लग रही है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला म्यूजिक लगा लेते हैं। बाद है ये साइड टेबल्स जो कि बहुत प्रिटी है इसमें, आई रियली कांट गेट ओवर विद इट। ये बेड जो है हमने शेप जो है हाउसेस होते हैं ऐसे वाले, दूसरों के गार्डनों में अगर आके झांकना हो, गार्डनों में झांकना हो तो यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। एंड हम लोग निकल चुके हैं, वीकेंड है आज। एंड घर के काम ही थोड़े बहुत जो है वीकेंड हो सकते हैं वो कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर ऑफ टू गार्डन सेंटर। तो बाहर के लिए हमें कुछ प्लांटर्स चाहिए, कुछ पौधे चाहिए, कुछ सॉइल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वहीं जाके देखते हैं कि क्या क्या हम अभी देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम एंड वी वेंट टू B&Q फॉर टाइल्स, ठीक है। तो B&Q गए थे कि कहीं और गए थे? आई थिंक हम B&Q भी गए थे और एक और में गए थे, कहीं पे तो हम गए थे, किसी के गार्डन सेंटर में तो गए थे। तो वहाँ पे हमें काफी चीजें पसंद आई थी, तो देखते हैं अभी। एक दो प्लांटर्स हमने होम सेंस से भी लिए हैं, बाकी देखते हैं अभी जाते हैं। आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का गार्डन सेंटर कैसा होता है। शायद आपको हल्का सा दिखाया हुआ हमने पहले, बट इस बार प्रॉपरली दिखा देंगे। और लेटर इन द ब्लॉग हम आपको वो भी दिखाएंगे कि हमारा जो ऊपर बेडरूम में वार्डरोब्स बनी है वो कैसे लग रही है। सो एग्जैक्टली थोड़ा सा एक मिनी टूर दे देंगे जो जो भी सामान है उसमें, क्विकली कि कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है एंड आगे और हमें क्या क्या करवाना है उसमें। तो फिलहाल के लिए इतना, बहुत प्यारा मौसम है, लेट्स गेट क्रैकिंग। फिलहाल जा रहे हैं अंदर एंड देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। आना भानु करेगा पौधे प्लांट, पौधे प्लांट, हाँ प्लांट प्लांट करने मतलब मतलब यार उनको शिफ्ट कर दे रहा हूँ। प्लांट द प्लांट्स, यस। तो ऐसा कुछ अंदर से दिखता है ये, काफ़ी व्लॉग्स में आपको दिखा ही रहे हैं इस टाइप के, यू नो आप अपने घर का सामान, जैसे कि ये लॉन मोअर है, हम लोगों ने भी बड़ी शिद्दत से खरीदा था। मैं लेके आया था लॉन मोअर, मेरे को याद है, आई थिंक वो B&Q से लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता है मैंने एक बार यूज करा, ऐसा शोल्डर वर्कआउट हुआ कि दोबारा कभी निकाला नहीं। जो खरीदना बता देना हमसे, ले लो प्लीज यार, नहीं हम ऐसे ही देंगे, खरीदना क्या हो। आई मीन लुक एट दिस यार, बाहर आती इतनी सारी फ्लावर्स, मुझे सारे फ्लावर्स चाहिए, सारे के सारे ले जा, ले जा हाथ में आ रहे हैं। नहीं सीरियसली यार, वी शुड प्लांट, लाइक पता करते हैं कौन से लाइक सीजनल है, कौन से क्या क्या सीजन, फॉर ऑल सीजंस लिखा हुआ ना। ओह यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड वो रहे प्लांटर्स, पीछे पड़े हैं बहुत सारे, वो है सब्जियां जो मैं खुद उगा लूं। पता है ये हम जब अपना गार्डन करवाएंगे ना तब करें, सच में अभी तो पता नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रेंजियाज है अलग अलग कलर में, लाइक ये पिंक वाला है, ब्लू है, तो इनके नाम भी इन द बेस्ट पार्ट है। हमने थोड़ी सी हेल्प भी मांगी थी अभी, बट एवरीथिंग कम्स एट, लाइक दिस वन इज हाइड्रेंजिया वाइट, जो वाइट वाला है कि ये -15 degrees तक भी मतलब सही रहेगा। ऑल लोकेशंस की खाली सन या शेड या पार्शल सन नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉइल टाइप्स ऑयल है और 5 years में जो कुछ लेंथ वेंथ सब दी हुई है। सो आई थिंक इट्स हमें काफ़ी पढ़ के उसके हिसाब से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम पॉटेड प्लांट्स के लिए ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने उनसे पूछा था, तो यही अभी हमें हेल्प मिली है फिलहाल, कि यहाँ से पढ़ लो और समझ लो और ले लो। राइट साइड में हमें सॉइल में डिक करके इनको प्लांट करना है, तो वो वाली चीज़ आई थिंक नेक्स्ट वीक ही हो पाएगी। तो उसके लिए भी मैं अलग प्लांट्स देखूंगी, बट रोज जाएगा पॉटेड प्लांट्स में। वो लोग तो यार बोल रहे हैं हर चीज़ में जाएगा, बिकॉज वी आर वेरी न्यू टू फेली, न्यू टू यू नो प्लांट्स एंड एवरीथिंग। आप कमेंट करो आपको कौन सा पसंद है, पिंक रोज की रेड रोज, नीचे लिख देना। सारे रोजेस पसंद है मुझे, ऑब्वियसली प्लांट्स यू नो दे शुड नॉट डाई, मतलब किसी भी चीज़ से। तो हम बहुत समझ के लेना चाहते हैं। कुछ आपकी भी टिप्स एंड टेक्निक्स कुछ है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताओ, क्योंकि अभी तो सब पॉटेड प्लांट्स के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हमें प्रॉपर यू नो सॉइल वाली प्लांटिंग भी करनी है, तो कुछ हम लोग आपसे भी सीख लेंगे। गाइज ये ब्लू वाला हाइड्रेंजिया तो बहुत प्यारा है, इसका नाम है, बड़ा ही साइंटिफिक सा नाम है, क्या है, माइक्रोफिला ब्लू। आई ऑल्सो लाइक द पिंक वन, तो देखते हैं कौन सा ले रहे हैं। थोड़ा सा वो ड्राइड आउट लग रहा है तो इसलिए ना ले लेते हैं, ड्राइड आउट तो नहीं है ना कहीं से, नहीं। तो ये वाला भी हमने एक ब्लू उठाया तो था, ये थोड़ा बेटर था, ड्राइड आउट कम था, बट देखते हैं अभी थोड़े ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने तीन अच्छे अच्छे फ्लावर्स ले लिए हैं ये रे, तो अभी घर जाके इनको यू नो ट्राई करेंगे डालने का। कॉम्पोस्ट ले लिए और ये डिगिंग डिवाइस भी ले लिए, इसको इम्पैरेंट क्या बोलते हैं, डुरुम 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 इज अ साउंड इफेक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो अभी जाके देखते हैं हम कितना क्या क्या कर पाते हैं, थोड़ी सी पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन उतना कुछ हम मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस है प्लांट्स को लेके। सो मतलब अभी इतनी आउट ऑफ प्रैक्टिस, अगर हमें यार डुडुम दोगे तो हम से सूप पी सकते हैं, यू नो केक काट सकते हैं, केक काट सकते। नहीं नहीं मजाक कर रहे, चलो अभी घर चलते, नहीं घर नहीं चलते, कुछ खाते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, सो आज संडे है, तो अपेरेंटली यहाँ पे मतलब
चार पाँच बजे सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, चार बजे रादर। सो हमने रियलाइज नहीं किया हम इतने उलझ गए थे पौधों में, इतना डीपली यू नो हर एक चीज को देख रहे थे कि टाइम ज्यादा हो गया था। तो हमें लाइट्स देखनी थी, हम लाइट्स देखेंगे। मुझे एक्चुअली एक तो बड़ी अच्छी लगी है न्यू रूम्स के लिए, बट सस्पेंशन देखना, चेक करना और रिसर्च करने की सस्पेंशन कम हो सकती है नहीं हो सकती, अदरवाइज यहाँ पे लो सीलिंग होती है, हमारे सिर पे लगेगी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो एक अलग चीज़ है, हमें आके उन्होंने भगा दिया कि चार बज गए, या तो उनकी बिलिंग कराओ पौधों की या फिर कल आके लेना। तो हमने फटाफट से वो छोड़ा वहाँ पे, पौधों की बिलिंग कराई, हम जा रहे हैं कुछ खाने लोकल पब में। ओके सो अभी हमारे पास तीन प्लांटर्स है एंड ये कॉम्पोस्ट है, ये फ्लावर्स है, अभी इसको करेंगे ट्रांसफर। बॉटम में डालेंगे थोड़ी सी ग्रिप, वही चिप्स पड़ी हुई डाल लेते हैं, चिप्स आई थिंक इट शुड डू द वर्क क्योंकि छोटी है चिप्स, ड्रेनेज के लिए होता है वैसे तो, बट वो बंदा तो मना ही कर रहा था हमें, बट चलो लेट्स डू द थिंग नाउ। तो अभी हमने पहला प्लांट अपना डाल लिया, अब इसकी साइड पे इसको भरनी पड़ेगी बिल्कुल, ये कॉम्पोस्ट बहुत प्यारा लग रहा है भाई, हमारे गंदे हैं महानों ने पकड़ा होगा, तो हमें लग रहा है कि हम यहाँ सेफली ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं जो जो उन्होंने बताया था, हाँ ये डाल दे कॉम्पोस्ट यहाँ पे। अच्छा जो आपने देखा था ना वो क्या नाम था, डुरुम, डुरुम वही रह गया यार, पैसे दिए वही छोड़ के आ गए हम। अच्छे से वाटर करते हैं एंड सजाते हैं यार, मुझे ना हाइड्रेंजियाज बहुत प्यारे लग रहे हैं ऑनेस्टली, वो देखो एंड रोजेस बहुत प्यारे हैं। तो अब हम शुरू कर चुके हैं अपने प्लांटर्स को सजाना, दो लग चुके हैं आई थिंक, अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा ना इसको घुमाना पड़ेगा ज़्यादा, इधर गिर रहे हैं हाइड्रेंजिया, हाँ किस तरफ थोड़ा नहीं अंदर की तरफ। तो ये कुछ ऐसी लग रही हैं हमारी प्लांट्स, ऑनेस्टली बहुत नीट लग रहा है, पहले इतना मैस होता था यहाँ पे मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। एंड या तीसरा लेके आते हैं अभी, अभी और भी हमें काफ़ी लगाने हैं बट फिलहाल कहीं ना कहीं से शुरू करना ही था। ओके गाइस सो अब है टाइम आपको रूम टूर देने का, रूम क्या हमने नई वार्डरोब्स बनवाई हैं आपको, अगर आपने लास्ट व्लॉग्स आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो हमें तो आपके साथ आपको सारे अपडेट्स पता होंगे। एंड अभी तक से हमने आपको फाइनल जो अपनी वार्डरोब्स नहीं दिखाई, तो वॉक इन वार्डरोब रूम की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ इस बेडरूम की। तो हमने सोचा खाली वार्डरोब्स क्यों, आपको एक पूरा एक रूम टूर दे देते हैं, एज इन कि अगर आप यू नो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं आपका बेड कहाँ से है, लाइट्स कहाँ से है, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको डिटेल्स दूंगी क्या चीज़ कहाँ से आई है। तो यू नो एंड बिफोर वी एंटर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी ये रूम पूरा सेट नहीं है, तो बहुत आराम आराम से हम लोग अब धीरे धीरे कर रहे हैं, अपना टाइम लेके अपना घर को बना रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट इन अ रश एट ऑल। एंड जो जो चीज़ जैसे हमें समझ में आती है कभी कहीं पे देख लेते हैं, कभी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, वैसे वैसे हम वो एड ऑन्स करते रहते हैं। ठीक है चलिए अंदर, लेट्स गो। मानो कह रहा कितना बोलती है अंदर चल यार, क्योंकि सास भी कभी बहु थी, वाला म्यूजिक लगा लेते हैं, लेट्स गेट इनसाइड। तो ये है हमारा प्यारा सा बेड, ऑनेस्टली दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट लाइक बेड, आई रियली कांट गेट ओवर विद इट। ये बेड जो है हमें आई थिंक इट वाज वन ऑफ द इनिशियल फर्नीचर जब हमने 3 साल हो गए, हाँ तो जब हम नए नए मूव करे थे इस घर में ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं। एक स्टोर है लश इंटीरियर, उनका इंस्टाग्राम पेज मैंने देखा, मैं काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भी यहाँ पे यूके में रहते हैं उनको फॉलो करती हूँ, तो मेरे को उनके थ्रू इस ब्रांड के बारे में पता चला। मैं और भानु लिटरली उनके गोडाउन में भी गए थे, वो इस तरह बेस्ट, तो हमें वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, इवन माई घर में बहुत सारी चीज़ें इस ब्रांड की है और और कितने लोगों को मैंने रेकमेंड किया है इस ब्रांड के बारे में क्योंकि आई थिंक इट्स प्रीटी अमेजिंग। सो ये है भाई हमारा बहुत ही प्यारा सा बेड, एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी सॉलिड, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन सी इट हैज दिस इज कॉल्ड चेस्टरफील्ड पैटर्न, जो ये कुशनिंग इफेक्ट जो यहाँ पर आया हुआ है, तो हमें मतलब इसमें बहुत सारे कलर्स में आप बनवा सकते हो, तो ऑब्वियसली व्हाटएवर कलर यू डिसाइड तो उसी हिसाब से टाइम लेते हैं आपके यहाँ पे डिलीवर करने में, कपल ऑफ वीक्स रहती है आई थिंक 4 to 8 weeks है ना मिनिमम, इतना कुछ था। एंड बहुत ही सॉलिड बेड है ये, तो आप देख सकते हो ये जो इसका ये जो इफेक्ट जा रहा है ये चारों तरफ है पूरा। एंड लिटरली मैं जब इसकी डस्ट जब मैं बेड को करने आती हूँ वैसे तो इतना यूज ही नहीं होता ये ऑनेस्टली, जब भी हम साफ करते हैं बैठ के हर एक इसका ये साफ करती हूँ बैठ के। अगर मैं बात करूँ अंडर बेड स्टोरेज की तो वैसे इसकी डजंट कम विद यू नो लाइक प्रॉपर सेट, जैसे वो मैकेनिज्म ऐसा लगा होता है कि आप बेड को लिफ्ट करते हैं जो कि हमारा दूसरे बेड में है, हाँ। तो अपने आप लिफ्ट हुआ, तो इसमें वैसा नहीं है, बट दे टोल्ड अस कि सिंस यू नो इसके नीचे खोखला ये खाली है तो यू कैन स्टोर एनीथिंग यू नो, बट वो लिफ्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो वो एक चीज़ आई वुड से। बट ऑनेस्टली हमने इसके नीचे ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसको हमें ज्यादा एक्सेस नहीं करना होता, हमने स्टोरेज करी हुई है, स्पेस काफी ज्यादा मिल गई क्योंकि एक्चुअली सुपर किंग साइज भी है, तो वी हैव मोर स्पेस बिलो दिस। एग्जैक्टली, तो सुपर किंग यहाँ पे ना यूके में साइजेस डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो जो सुपर किंग साइज होता है वो ये है, और ये टिपिकल आई थिंक आई वुड से जो इंडिया के हमारा डबल बेड होता है ना
उतना होता है आई थिंक थोड़ा बड़ा है उससे मुझे तो वही लगता है बट इफ यू आर एक्चुअली हां मतलब इंडिया के जो अच्छे खासे बड़े साइज वाले बेड्स होते हैं डबल रूम में डबल बेड जिसको होते हैं ओके सो अब बात करते हैं इस प्यारे से यू नो झूमर की लाइट की जो भी आप इसको बोलो आई लव दिस वन तो ये बहुत ही लाइक एक प्रीटी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी लाइट है तो एलईडी लाइट है इसमें सेंटर में रिंग सी जा रही है सो इट गिव्स अ वेरी अभी तो जैसे कि यहां पे ब्लाइंड नहीं है जब पूरा अंधेरा होता है तो इट गिव्स अ वेरी वेरी आई वुड से रोमांटिक सा टच आता है इस रूम में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इस लाइट से तो इसी लाइट के मैचिंग के मेरे पास लैंप्स भी है जो कि एक ये रहा एंड दूसरा दूसरी तरफ पे है उस तरफ पे लाइट्स विद द साइड लैंप्स ये हमने लिए थे सीपी लाइटिंग से तो अगेन इंस्टाग्राम पेज है तो अगेन मैंने बहुत रिसर्च करके लिया था फिर से ये आई थिंक ये वही 2.5 साल पुराना तो होगा ही स्टार्टिंग में ही ये ले लिया था और उसके बाद है ये साइड टेबल्स जो कि बहुत प्रिटी है इसमें ऐसा ये टेक्सचर डिजाइन भी अब ये खाली है क्योंकि हम इसको इतना यूज नहीं करते हैं बट जितना मुझे याद है शायद हमने ये भी लश इंटीरियर से ही ली थी या फिर फर्नीचर वो myfurniture.com से ली ठीक है वो मैं आपको बता दूंगी अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना मैं बिल्स चेक करूंगी बैठ के बट हाँ ये दो तीन दुकानें मैं स्टार्टिंग में बहुत इनसे मैंने काफी चीजें ली थी एज यू कैन सी दीज वॉल्स ये थोड़ी स्लैंटेड है बिकॉज दिस इज द सेकंड फ्लोर एंड इसके ऊपर एटिक है तो एटिक एज इन की आपने देखा होगा यहाँ पे हट शेप्ड जो है हाउसेज होते हैं ऐसे वाले तो इसके ऊपर वो हट शेप है यू कैन एक्सेस देयर बट फ्रॉम अनदर रूम फ्रॉम द अदर रूम या हाँ तो इसलिए वॉल्स थोड़ी स्लैंटेड है यहाँ पर बेसिकली विंडो है अभी विंडो गंदी हो रही क्योंकि हमारे विंडो क्लीनर को आना है नेक्स्ट वीक तो ये हमने अपनी स्टार्टिंग में हमने वीलक्स विंडो बोलते हैं इसको और हमने स्टार्टिंग में ही इसको बंद ही कर देती हूँ ये वीलक्स विंडो ब्लाइंड्स भी लगवा लिए थे यहाँ पे तो इसमें हल्की सी शिमर है मतलब बहुत बहुत हल्की सी है ताकि ऑब्वियसली सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे रेगुलर ब्लाइंड्स नहीं लग सकते हैं जो कि हम या कर्टन्स नहीं लग सकते बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑब्वियसली तो यू हैव टू गो विद वीलक्स ब्लाइंड ये वाली विंडो पे हम ब्लाइंड लगवाना भूल गए थे हमने पूरे घर पे ब्लाइंड लगवा दी बट फिर वो तो ना छोटी सी बिचारी विंडो हमारी रह गई तो हमने सोचा हुआ है कि इस विंडो पे भी बहुत सून कराएंगे बिकॉज अगेन वही होते हैं यहाँ पे पहले एक बंदा आएगा मेजरमेंट लेगा आप कपड़ा पसंद करोगे फिर वो महीने दो महीने में जाके लगेगा तो ये चीज़ हमें करवानी है बट यहाँ से हमें काफी अच्छा सा दिखता है ये दूसरों के गार्डनों में अगर आके झांकना हो गार्डनों में झांकना हो तो यहाँ पे आके खड़े हो जाओ ऐसे ऐसे चाय का कप लेके अच्छा उन्होंने ये काम कर बट वीलक्स वाले से बहुत अच्छा व्यू आता है ग्रीन जब वहाँ पे सामने ग्रीन है ना यहाँ पे हमें घरों में झांकने को मिलता है that's true, that's true. Just joking. Okay, so now we come to the wardrobes. As you can see already, हमने wardrobes थोड़ी सी डार्क कलर की कराई है तो आई वॉज लिटल एप्रिहेंसिव वेन यू नो while choosing this color but मैंने अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे देखा था डार्क कलर तो इट वॉज लुकिंग रियली प्रिटी क्योंकि इस रूम की ना वाइब है बिकॉज ऑफ द बेयर आई बिलीव है ना एक बहुत ही रिच वाइब है अदरवाइज आई जनरली लाइक ग्रे इज द थीम ऑफ आवर हाउस ग्रे वाइट्स and you know now a little bit gold as well gold, as you can see in this gold corner gold is trending nowadays then yeah ye ghar liya tha tab chrome was really in tab golds kafi in hai but anyway main aapko dikhati hu wardrobes bahut sundar wardrobes bani mujhe aisa lagta hai so let's get so these are the wardrobes so basically if you see closer ye I don't know camera mein kya dikh raha hoga but this is more like a very very deep gray color yeah it's called graphite I guess yeah yes I think so it is called graphite to hum logon ne apni wardrobes करवाई है हैमंड्स से एंड ऑनेस्टली इट्स आई रियली लाइक्ड इट जस्ट ये पैटर्न जो है इसको बोलते हैं हैटन हाँ तो हैटन पैटर्न का नाम है तो आप ऐसे कोई पैटर्न डिफरेंट सिलेक्ट कर लेते हो तो मैंने वॉक इन वार्डरोब के लिए डिफरेंट पैटर्न जो है वो सिलेक्ट करा है तो इस स्पेस में तीन ही बन सकती थी यहाँ पर ठीक है तो पहले मेरे दिमाग में था कि यार मैं ऐसी एल शेप में बनवाऊँ बट उन लोगों ने मुझे यू नो कंसिडरिंग द मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा बताया कि नहीं बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा रूम एंड ऑल दोस थिंग्स एंड प्लस इट्स अ स्लांटेड वही स्लोप्ड वॉल्स है यहाँ पे तो स्लोप्ड वॉल्स पे भी काम करवाना आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड यू नो स्केल्ड बंदे चाहिए होते हैं बिकॉज द फिटिंग इज लिटिल डिफिकल्ट के जो गोल्ड हैंडल्स हैं ये हैमंड्स के नहीं है तो ये मैंने ये हैं B&Q से यस B&Q से लिया ना तो ऐसे मैं रैंडमली अपने घर का सामान ही देख रहा था मुझे नजर पड़ी इन हैंडल्स पे एंड आई रियली क्वाइट लाइक इट सो दे आर रियली रियली प्रिटी तो ये है भैया हमारी पहली वाली वार्डरोब एंड सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस अभी ऑब्वियसली खाली है हैंगर्स हमने मेजरमेंट्स के लिए रखे थे यहाँ पे तो यहाँ पे आई विल बी हैंगिंग लॉट ऑफ कोट्स पीछे काफी इट्स क्वाइट डीप एक्चुअली तो पीछे काफी यू नो बॉक्सेस रख सकते हो आप यहाँ पे भी कुछ पिलो कवर्स फोल्ड करके मुझे जनरली मुझे नॉर्मली ये वार्डरोब्स आई वुड बी यूजिंग फॉर माय
you know, bed sheets and duvet covers and all those things. And or maybe hide and seek, I don't know. Hide and seek. Wall hai yahan pe bana hua hai. और आई थिंक इट्स क्वाइट स्पेशियस. ये जो लाइट्स है हमने ऑनेस्टली खुद लगाई है, बिकॉज हामिद से हमें पहले ही बोल गया था कि भाई अब लाइट्स जो है वो आप अपनी खुद ही लगाओ, बिकॉज उनके पास स्पॉटलाइट्स थी बट दे वर सेइंग कि दे आर नॉट एक्चुअली एज गुड, सो इट वाज क्वाइट ऑनेस्ट ऑफ देम कि वो बोल रहे थे कि हमारी लाइट्स लगवाओ ही मत, तुम अपनी लगाओगे तो बेटर रहेंगे. यार देख जल्दी हमारी खराब हो जाती है, पता नहीं क्या था. सो हम लोगों ने खुद ही अपनी सेंसर वाली लगाई है. सेंसर इसका पीछे छुपा हुआ है. वी कम टू हियर. सो अगेन दिस इज द अदर वार्डरोब. इस पे भी हमने लाइट्स अपनी खुद लगाई हुई है. yep. तो सेंसर हो रहा है इसका, एज यू कैन सी, बट आई डोंट माइंड दिखती रहे तो. हाँ, सेंसर थोड़ा सा दिखना चाहिए तभी तो एक्ट करेगा. तो इसमें ये एक्सेसरी ड्रॉअर है ऊपर एंड ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं एंड लाइक यू कैन यूज Like whatever you want. Soft clothes, बहुत ज़्यादा soft हो गए. Soft, बंदो. Guys, ज़्यादा soft clothes भी होना चाहिए. तो again ये काफ़ी deep है जो है closet. तो ये mirror है यहाँ पर. तो ये this is a complimentary thing which they give. तो हमारे पास option था कि हम यहाँ पे भी mirrors लगवा सकते थे. उसके लिए पहले से और deep होके आते हैं, है ना? Yes. But सामने bed है और I think मेरी मम्मी ऐसे बोलती है कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए. आप जल्दी बताओ ऐसे कुछ होता तो मेरे ना दिमाग में हल्का सा वो आ गया, तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया. तो बेसिकली हमने अंदर व्हाइट लाइट्स लगाई ताकि हमें कपड़े अच्छे से दिख जाए. ज्यादा भी रोमांटिक रोमांटिक नहीं करना ना, येलो येलो के चक्कर में कपड़े नहीं दिखते. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू दिस साइड. सो दिस साइड हमने बनवाई एक टेबल टाइप. सो दिस कैन बी अ ड्रेसिंग टेबल फॉर हूएवर लाइक गेस्ट आया है या फिर कोई भी आया हुआ है. दिस कैन बी भानूज like work table. Yeah, sometimes I can come in here and you know put my laptop on as well. Yeah. Yeah, तो मुझे यहाँ के लिए मिरर भी लेना है. मैं अभी धीरे धीरे ढूंढूंगी, अच्छा सा लूंगी. तो basically हमें दोनों तरफ अलमारियाँ नहीं चाहिए थी because ये room बहुत छोटा लगता. Actually काफी खुला है. I mean I don't know camera capture कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, but it's quite spacious. I mean for like moving around. मतलब बेड लगा सकते हैं. Yeah. Even seriously इतना तो नहीं. दोनों तरफ अलमारियाँ नहीं चाहिए थी तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगा एंड हमें इसकी यूजेबिलिटी है हमें कुछ सालों बाद. तो कुछ सोच के हमने यहाँ पे टेबल बनवाई है. तो बहुत ही मतलब ये कॉर्नर टेबल बनी है यहाँ पर. तो अभी तो मैंने ऐसी थोड़ी सी कैंडल्स वगैरह रख के डेकोरेट करा हुआ है, बट मुझे कुछ एक्सेसरीज लेके आनी है. अब ये जो हैंडल है ये हैमंड्स के खुद के हैं, ठीक है. तो ड्रॉर्स मैंने उन्हीं के लगवाए हैं, बहुत प्यारे हैं ऑनेस्टली, बहुत क्यूट से गोल्ड है. ये तो अभी रैंडमली मैंने थोड़े दिन पहले उठाई है. कल उठाई है हमने एक्चुअली. कल या परसों? हाँ, उठाई. ये मैंने लिया होम बार्गेन से परसों. यू राइट. ठीक है, तो ये आई है 19 पाउंड्स की, सिर्फ 19 पाउंड समथिंग की. 1999 मतलब 20 पाउंड की है. वो तो मैं साइकोलॉजिकली लगाने के लिए उन्हें कर देते हैं. तो ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे रख दी टेम्परेरी. तो That is pretty much it. अभी इस रूम में और क्या होना है? इस रूम में अभी हमारी पिक्चर्स आनी है और पेंटिंग्स आनी है, ब्लाइंड लगना है. और जैसा कि मैंने बताया अभी, हाँ, पिक्चर्स डेफिनेटली आने. पिक्चर्स से थोड़ा आई थिंक मजा आएगा, है ना? थोड़ा होमली होगा, अपना लाइटली भी होगा. गोल्डन फ्रेम्स में आप सोच सकते हो. और हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम यहाँ पे टीवी लगाना चाहते हैं ताकि हमारे कोई भी यहाँ पे गेस्ट आता है या फिर हमारे लिए भी, यार हमें बेडरूम में टीवी पसंद है. हम रात को टीवी देख के ही सोते हैं और हमारी पूरी फैमिली, हमारी फैमिलीज भी ऐसी हैं. हमारी सबकी आदत गंदी है, क्या करें? है तो है, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो. तो वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ पे टीवी लगाएंगे, ऐसा स्टैंड जो कि आराम से ऐसे बाहर भी आ जाए. तो हमें एक्चुअली काफी कंफ्यूजन होती थी कि यहाँ पे टीवी लगेगा कैसे. सो वी वेंट टू पेरिस लास्ट टाइम, राइट? सो वहाँ पे हमने होटल में देखा था कि इट वाज काइंड लाइक अ स्टैंड दैट केम आउट लाइक दिस एंड देन टीवी उस पे अटैच्ड था. सो दैट वाज अ गुड वन. सो उससे आइडिया है. एग्जैक्टली, वी विल फिगर आउट समथिंग. स्विचेस मैं मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे सामने वाले रूम के लिए गोल्डन लेके आने हैं तो मैं शायद ये भी चेंज कराऊंगी. तो हमारा एक चीज रहेगी वो ये है कि हमें यहाँ के लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं हो पाया. तो विल फिगर आउट, हमारे इलेक्ट्रिशियन ने भी आना है नेक्स्ट वीक. तो विल डू समथिंग ओवर हियर और जो भी हो पाएगा. ये रहा आपका रूम पूरा का पूरा, फाइनल व्यू. गाइस, तो ये था आज का हमारा गार्डनिंग सेंटर प्रोजेक्ट एंड बेडरूम टूर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड आज का व्लॉग बहुत लंबा खिंच चुका है तो क्योंकि सास भी कभी भवती का शो यहीं बंद करते हैं एंड देन वी सी इन द नेक्स्ट वन. बट उससे पहले यू नो व्हाट टू डू. हमारे चाहे यहाँ पे सब कुछ ग्रे हो बट यू नो व्हिच बटन टू प्रेस. It looks like red. I think मुझे ना हर रूम में सब्सक्राइब का फ्रेम लगा देना चाहिए. जहाँ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ आपको वो दिखा दो, बस ताकि आपको याद रहे, पीछे वो आता रहे. हमें चीज ही करने के लिए कुछ नहीं चाहिए यूट्यूब वाले. बट यू नो व्हाट आई मीन. सो सब्सक्राइब एंड देन वी विल सी इन द नेक्स्ट वन. पीस. Yeah.